बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजय एल दुबे जी हैं, इनका काफ़ी योगदान है और समर्पित हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। और सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जिस पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, ये इतनी बरसात में जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सारे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और जो है सभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं ये। और कितना क्राउड है ये तो आप देख ही रहे होंगे। और रही बात जो है मतलब ये प्रोग्राम तो हम लोग हर साल ही करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए कि वो निरंतर आगे बढ़ती रहें और अपने पैर के ऊपर खड़ी हो सके और जो है किसी पर बोझ ना बन सके। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं ये मिशन जो है पूरे भारत में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी जो ब्रांच है ये ऑल ओवर इंडिया लगभग पहुँच चुकी है। अभी हमने जल्द ही जो है मतलब उत्तर प्रदेश की प्रभारी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जो है आरती शंकर मिश्रा, एक्टर आरती शंकर मिश्रा। तो जो है हमारी ब्रांचेस जो है हर जगह बढ़ रही हैं और इसका स्कोप भी हमको जो है चारों तरफ से मिलता जा रहा है। बस इसी के साथ जो है मैं बच्चियों से फिर एक बार और माताओं से, बहनों से और पेरेंट्स से यही कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। अरे अब मैं क्या फोटो प्रिंट कर रहा हूं? अरे यार 20 रुपए ये हटाओ यार, ये हटाओ। अरे जल्दी करिए जल्दी। नेचुरल पर हां बात करते रहो अगले से। मैडम आपका कुछ योगदान है यहां पे? पूरा योगदान है बाहर। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बच्चा कोई पहले टाइम में ऐसा होता था, लाते थे सिर्फ हम मोहल्ले भर में दिखाते थे कि मेरा बेटी 90% लाई या 80% लाई, बट जो उस समय हम लोगों के टाइम में 60% भी बहुत मायने रखता था। तो मुझे याद है हम लोग के मम्मी पापा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते थे। लेकिन जो आज के टाइम में जो ये किया जा रहा है बेटियों के लिए कि इतना बड़ा सम्मान समारोह रख करके, उसमें और खुशी मिलती है कि सब बेटियों के कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड कि जैसे बेटियों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं या कुछ हो रहा है या कई पेरेंट्स बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं, कम से कम ये सब मिलता है। एक बेटी को आगे बढ़ने के लिए उनको एक दिशा मिलती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लोग सामने आते हैं। सपोज़ किसी के पेरेंट्स किसी बच्चे को नहीं पढ़ने देते, कम से कम इतने सारे कि उसकी एक पहचान होती है कि नहीं उस बच्चे को पढ़ना चाहिए पढ़ना, अगर हम उनके लिए नहीं कुछ कर सकते। बहुत से लोग सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करती हैं।